आदरणीय एडवोकेट मोनिका अरोरा जी, परम मित्र और दिल्ली के राष्ट्रवादी ताकतों के सखी में एक योद्धा नेता, वॉरियर लीडर श्री कपिल मिश्रा जी, बौद्धिक जगत में स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में राष्ट्रीयता के एक लहर जैसा इसका प्रचार करने वाले श्रीमान विकास पांडे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, भूतपूर्व नेशनल सेक्रेटरी और केरल के मेरे भाई श्री अनूप, यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों, सबको मेरा वंदन। हम सबको पता है, एक ऑफ्ट रिपीटन एक कोटेशन है हिस्ट्री के बारे में, जॉन संतायना जैसे एक फिलोसोफर ने, स्पेनिश फिलोसोफर ने बताया था, दोस हु आर नॉट रिमेंबरिंग हिस्ट्री आर कंडम्ड टू रिपीट इट। इतिहास को ठीक तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए कोशिश न करने वाले लोगों के ऊपर वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। भारत के इतिहास अगर देखा है तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पर केरल के, उत्तर केरल के जो इतिहास के बारे में अगर विशेष रूप में विचार किया है तो ये बात एकदम सच है, ऐसा हमको मालूम हो जाएगा। एडवोकेट मोनिका अरोरा जी ने सही ढंग से उनके जो कवितामय स्टाइल में उन्होंने हमारे सामने वो विषय रखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा। अगर ये मोपला नरसंहार, हिंदुओं के नरसंहार के बारे में ठीक तरह से अध्ययन हम पहले से ही किए तो, सही इतिहास पढ़े तो बहुत सारे डेंजर्स, भारत के बारे में बहुत सारे दुस्थिति नहीं रिपीट होने वाला था। मैं 1921 में हुए खिलाफत खालिफेट आंदोलन, मोनिका जी ने इसके बारे में भी बताया, बहुत सारा, बहुत बड़ा एक मैनिपुलेशन हैज बीन डन ऑन खालिफेट, इस टर्म के ऊपर भी खालिफेट को खिलाफत कर दिया के किसी कन्निंग इंटेलिजेंट पॉलिटिकल लीडर उस जमे पर। इट वाज एक्चुअली खालिफेट, इट वाज ऑल रिलेटेड टू खालिफ ऑफ टर्की। खिलाफत कहने से हमको ऐसा एक विचार आ जाते हैं, इट वाज अगेंस्ट समवन, अगेंस्ट ब्रिटेन। इट हैजंट गॉट एनीथिंग टू डू विथ एंटी ब्रिटेन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। मैं जरा जो बताया कुछ 100 साल पीछे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इफ यू आर नॉट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल हिस्ट्री ऑफ दिस सो कॉल्ड मलबार रेबेलियन। एक्चुअली केरल के अंदर मुसलमानों के साथ जो संबंध 16वीं शती से शुरू हो गया था, बिकॉज ऑफ अरेबियन ट्रेड कनेक्शन। अरेबिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, बट द ट्रेड हैज कंटिन्यूड। इसके वजह से मुसलमान प्रोटागोनिस्ट आना प्रारंभ किया, लेकिन जब इस ग्रुप मुस्लिम बन गया, मे बी बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, फैनेटिक सेमिटिक रिलीजन, दे ऑलवेज कंसिडर नॉन मुस्लिम्स एज काफिर्स। इट हैज टू बी कंसिडर्ड। If you are believing in that so-called holy book, you have to consider each and every non-Muslim as kafiruli. So, वहाँ 16वीं सदी से लेकर केरल के अंदर, खास तौर पर नॉर्दर्न केरला के अंदर, इस काफिर मुस्लिम डिविजन has started. बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स ऑन हिंदूस शुरू नहीं हुए तो भी कन्वर्शन शुरू हो गया था, कन्वर्शन का प्रयास शुरू हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा डिविजन एमंग दी मलबार हिंदूस एंड द कम्युनल एटमोसफियर, सांप्रदायिक एक माहौल खड़ा हो गया मैसूरियन अटैक्स के बाद। इन 1766 में
मैसूर के जो राजा ऐसा कहने वाले, मैसूर के राजा थे क्या पता नहीं, मैसूर के राजा दूसरा थे, लेकिन वहाँ से एक हैदर अली कुछ आतंकवादी ताकतों को लेकर मलबार के ऊपर आक्रमण कर दिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिंदुस्तान मुस्लिम्स इन मलबार। हैदर अली इतना कम्युनलिस्ट एक फैनेटिक लीडर था, बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, मतांतरण करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, हज़ारों लोगों के कन्वर्शन हुई, हज़ारों लोगों की कत्लेआम हत्या हुई। एंड मलबार के लोगों ने सोचा ए हैदर अली जरा बूढ़ा हो रहा है, वो गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैदर अली है सबसे बड़ा खतरनाक मुसलमान, ऐसा मुसलमान आतंकवादी ऐसा बेचारे हमारे मलबार के लोग, आई एम फ्रॉम केरला दैट्स वाई आई एम सेइंग, उस समय सोचा था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, पुत्र पिता के नाम को अच्छा करते हैं, ऐसा एक कहानी है, कहावत है, यानी पुत्र को देखना प्रारंभ किया मलबार और केरला, उन लोगों को लगा हैदर अली इतना अच्छा था, क्योंकि टिपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली एंड ही केम टू मलबार एंड ही एक प्रकार से केरल के जो उत्तर भाग को पूरी तरह उन्होंने खून से सिंचाया। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, कैन यू जस्ट बिलीव, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मलबार, इट वॉज बीन रिकॉर्डेड, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, मलबार के आधा पॉपुलेशन वहाँ से पलायन करना पड़ा, बहुत सारे मंदिरों के ध्वस्त कर दिया। एंड हिंदू लोगों ने जमीन संपत्ति सब कुछ छोड़कर कोच्ची और मलबार के तरफ, केरल के जो ज्योग्राफी मालूम होने वाले लोगों को मालूम होगा शायद, तीन हिस्से में केरला बांटा है, मलबार कोची और साउथ में ट्रावनकूर, इस ट्रावनकूर के तरफ सब लोग भागे, जमीन सब छोड़ के गया था। इट वॉज दैट ईजी फॉर टिपू सुल्तान टू टेक ओवर दोस लैंड, वो जमीन सब उन्होंने कब्जा में ले लिया। हिस्ट्री में लिखा है इस पर्टिकुलर लैंड विच हैज बीन कॉन्फिस्केटेड बाय द टिपू सुल्तान, Tipu Sultan has been distributed among the Moplas of Malabar, and Tipu established a new tax collection system that is known as, I am talking history only, I am not talking anything other than history, Mopla Kanamdar system, and this Moplas have the groups of Muslims, particular Muslims, wo wahan ke hinduon ke जमीन संपत्ति सब उनके है, ऐसा इस समझकर उसको अनुभव करना प्रारंभ किया। बट यू नो इन 1792 आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टिपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, टिपू को मलबार छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक रूप में मलबार छोड़कर गए हुए हिंदुओं में बहुतांश लोग, अधिकांश लोग वापस आए, क्वाइट नेचुरली उनके जो जमीन सब उन्होंने वापस लिया। वहाँ उसी वक्त ये डिवाइड और ज़्यादा हो गया, इलीगली ऑक्यूपाई करके एंजॉय करके रहने वाले मोपलाओं को उनके जमीन हिंदुओं को वापस देना पड़ा, एंड ऑल्सो हिंदूज ऑल्सो टुक इट एस ए, उनके जो हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने समझ किया ये लोग उनका जो रिलेशनशिप हमसे भी ज़्यादा आने वाले मुसलमान आतंकवादियों के साथ है, इसलिए हिंदू ऑल्सो टुक ए डिसीजन दैट दे विल नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ मुप्लास टू कम नियर टू देयर लैंड। इट हैज हैपेंड इन 1792 एंड ऑनवर्ड्स। वहाँ से लेकर बहुत सारे दंगाएं प्रारंभ हो गया, जस्ट लाइक ऑलरेडी एडवोकेट मोनिका जी ने जो बताया था, 52 major riots took place in Malabar prior to 1921. हम लोग जब मापला रेबेलियन के बारे में बताते हैं हमको लगता है इट वॉज द फर्स्ट थिंग ऑकर्ड इन केरला, नो, मेजर 52 riots took place एंड आफ्टर दैट सम 30-35 सामान्य दंगा भी हुआ, इन टोटल नियर अबाउट 100, यू कैन से इन बिटवीन 82 एंड 100 riots took place इन मलबार इन द 19th सेंचुरी। सो इस प्रकार कम्युनली सरचार्ज एक एटमोसफियर सांप्रदायिक आतंक के लिए बहुत बड़ा एक्सप्लोशन के लिए माहौल पूरा तैयार हो गया था मलबार में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इस बैकग्राउंड में आपको देखना है कांग्रेस का बहुत बड़ा भूल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कम्युनल एटमोसफियर प्रिवेलिंग देयर इन मलबार,
मलबार में जो सांप्रदायिक सामाजिक स्थिति है ये बिना समझकर, ये छोटी सी स्पार्क पर्याप्त था एक्सप्लोशन के लिए, लेकिन बिना समझकर ऐसा, ये मेरा बात भी नहीं है, आरसी मजूमदार ने लिखा, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन एवर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, ग्रेट आरसी मजूमदार इन हिज सेमिनल वर्क हिस्टरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उसके थर्ड वॉल्यूम में, आई एम कोटिंग इन द 60th पेज, ही हैज वेरी वेल रिटन, मेरे को, मैं आरसी मजूमदार को कोट कर रहा हूं इसलिए मैं नाम बता रहा हूं, Gandhi failed to understand the pan-Islamic nature of the Khilafat movement, which cuts into the national roots of Bharat. Bharat ke rashtriyata ko samajh lijiye. Ye antim angrezi ka antim shabd aap pehle samajh lijiye. Bharat ke rashtriyata ke jad kaatne wale Khilafat movement ka ye pan-Islamic nature samajhne mein Gandhi puri tarah haar gaye. It was written by R.C. Majumdar. इसलिए मैंने बताया ये केरल के विशेष परिस्थिति में, केरल के सामाजिक स्थिति को एक चिंगारी पर्याप्त था, लेकिन गांधी ने फेंक दिया एक मशाल मलबार के ऊपर। देयर स्टार्टेड 1921 अगस्त 20 का अल दौला। अल दौला वॉज अनाउंस्ड बाय अली मुसलियार। अली मुसलियार वॉज ए पायरेट। अली मुसलियार वॉज ए इन हिज बिफोर बिकमिंग द कथीफ ऑफ तिरुरंगाड़ी मोस्क, he was a non-criminal there, non-criminal, it was all recorded history. He all of a sudden announced that this particular area is Al Dawla. What is Al Dawla? You may be knowing, ISIS ka naam aap sune honge. 2014 tak, 2014 tak ISIS ka naam kya tha? Al Dawla Al Islamiyat. Then you get what Al Dawla is. It is Islamic state. Ghoshit kiya. बताया अली मुसलियार ने, अभी ये मलबार के ये इस एरिया में शारिया रूल रहेगा, शारिया रूल के आधार पर कोई मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर रहना भी मुश्किल है, तिलक लगा नहीं सकते हैं, चोटी लगा नहीं सकते, ये सब आप सभी को पता है, इट वाज ग्रेटेस्ट क्राइम एज फार एज दी मुस्लिम रूल, द फैनेटिक मुस्लिम रूल आर कंसर्न्ड। मुझे ये कुरानी के रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1921 के मुंबई मुस्लिम कम्युनिटी का एक बयान मैंने पढ़ा, एक रेसोल्यूशन, नॉट अ बयान, इट इज़ अ रेसोल्यूशन, मुंबई के मुस्लिम समाज, इट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदू पेपर इन 1921 सितंबर महीना, टेक इट फ्रॉम मी, उसमें उन्होंने लिखा कुरान ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कुछ मुसलमान लोग कहते हैं, कुरान ऐसा नहीं बताते हैं, कुरान ऐसा नहीं बताया है अन्य मजहबी लोगों को मतांतरण करने के लिए, नहीं बताया, जबरदस्ती 100 महिलाओं के पकड़ कर ले जाना है, रेप करना, ऐसा अल्लाह सपना में भी नहीं देखा है, ऐसा करने वाला मलबार के मोपला मुस्लिम नहीं है, ऐसा करके प्रस्ताव पारित किया, एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड इन ए मोस्ट रिप्यूटेड, उस जमाने के मैं बता रहा हूँ, हिंदू वॉज एक्चुअल हिंदू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेटर ऑन हिंदू हैज बिकम कम्युनिस्टाइज्ड, अभी जो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, I don't know what is happening there. Hindu has reported it on the front page that Mumbai Muslim community has passed a resolution against the moplas of Malabar. So that is why I am saying I am a bit confused, because Muslims themselves are saying, Ali Musliyar and Varian Kunnath Kunya Ahmed Haji are saying that Anya Matavalambiyon ko Matandaran karna, Matandaran ke liye tayar nahi hai to Hatya karna, महिलाओं के बारे में उनके सोच, यानी दे आर ऑल पार्टी फील्ड्स, यानी आपको कुछ भी कर सकते हैं, इट इज़ योर प्रॉपर्टी, सो ये सब करने के लिए कुछ लोग कोशिश किए वहाँ, इसके वजह से 10,000 से ज़्यादा, ये आंकड़ा मैं आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स मेड बाई के माधवन नायर, सी शंकरन नायर, सी गोपालन नायर, हिचकॉक, those people who wrote the history of this Mopla riot, they told that the number was enormous, bahut badi sankhya mein hatya hui, it has not been recorded correctly but enormous sankhya thi, but lekin un logon ke jo us pustak ke anyanya pannon mein humko milte hai, lagbhag 10,000 ke aas paas hinduon ke katleam hatya hui, I would like to say not only hindus, मलबार एरिया में
उस समय बहुत कम संख्या में होते हुए क्या सीरियन क्रिश्चियंस थे, उसमें येशु मित्रा, दैट नेम इट्सेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट, देर वॉज अ टीचर नेम्ड येशु मित्रा, येशु मित्रा मीन्स फ्रेंड ऑफ जीसस, ईसा मसीहा के मित्र ऐसा नाम दिया था। उनके परिवार को लगभग 7 लोग थे वो परिवार में, परिवार पूरा हत्या किया, एक इसाक, एक थॉमस, दिस आर द रिकॉर्डेड नेम्स विच वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम माधवन नायर्स बुक। माधवन हु वॉज माधवन नायर, माधवन नायर वॉज द केपीसीसी प्रेसिडेंट लेटर ऑन, ही बिकेम द क्वालिफाइड कमिटी सेक्रेटरी ऑफ मलबार, ही रोट इट। इसके मतलब हिंदुओं के साथ अक्का दुक्का क्रिश्चियंस थे उनके ऊपर भी आक्रमण किया। ये भी कहने में मेरे को हिस्टरी इस रूप में समझने की जरूरत है। देर वर सो मेनी अच्छे मुसलमान लोग भी थे, दे ट्राइड टू सेव, बेचारे हिंदुओं को सेव करने के लिए कोशिश किया, दे वर ऑल्सो किल्ड। दिस पर्टिकुलर ग्रूसम इंसिडेंट विच हैज बीन मेंशनड बाय मोनिका अरोरा जी, दिस तूर वेल इंसिडेंट विच हैपेंड इन द अर्ली आवर्स ऑफ सेप्टेंबर 25th 1921, दे वर असेंबल्ड, द हिंदूज वर असेंबल्ड देयर before this Tuvur well, Chambrasheri Thangal, I am quoting the court records, I am quoting Madhavan Nayar, I am quoting Shankaran Nayar, one Chambrasheri Thangal who was the right hand of Varian Kunnattu Kunyahamadu Haji, this Varian Kunnattu Kunyahamadu Haji, short name VK Haji, in his name Kerala ke left liberal film personalities are trying to create a film, okay, whatever it may, Chambrasheri Thangal sat on a chattan, chattan ke upar, as if he was sitting on a throne. Ye bechare hinduon ko khada kar diya, ek ek karke unke crime sheet unhone padha. See, this is an al-dawla. Al-dawla hai Malabar area. Yahan sharia rule hai. You are not allowed to go to temples. You are not allowed to wear tilak. So you are all doing it. Aisa hai to, agar jeena hai to, matandaran karna. Dharmabhimani, jo log tayar nahi tha, उनके साथ आए हुए उनके सेवक दो मुसलमान लोग भी तैयार नहीं हो गया, उनके गला काटकर ये तूर वेल के अंदर डाल दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट ए कल्पित कहानी, आपको गूगल सर्च करके समझ में आ जाएगा। जस्ट गूगल, अभी वहां बैठकर आप सर्च कर दीजिए तूर वेल इंसिडेंट, TUVVURWELL इंसिडेंट, यू विल फाइंड इट आउट। What was the role of Chambrasheri Thangal? What was the role of Varian Kunnattu Kunyahamadaji in that gruesome murder? जो मोनिका जी ने, बहन जी ने जो बताया, उसमें बहुत सारे लोग उस समय मरा नहीं था, they were not dead at that point of time. I would like to consider them as most unfortunate. वो है अभागी लोग, सही में उस ही वक्त मर गए हैं तो उतना पेन उनको सहन करना पड़ा नहीं। They were put under their own fathers, their own brothers, their own relatives, last ke beech niche mein suffocate karna, hell type narakiya vedana sahan karna pada. But on the second day there come one hooligan of Chambrasheri Thangal with a hatchet in his hand and heard sounds coming out of this well, kuch sound aa rahe hai, unhone well ke andar gaya, niche gaya, jo remaining living जो लोग हैं वहाँ हिंदू उनके गला काट दिया, उनका भी मर, यानी दो दिन के बाद, ढाई दिन के बाद ऐसा भी हुआ। सो दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज नेम इज बीइंग यूज्ड, दिस इज ऑल्सो, यू प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, दैट ए सोशल रियलिटी कैसे डेवलप हो रहा है इस समझने के लिए। इस पर्टिकुलर हूलिगान का नाम मलबार के माता लोग बच्चों को डराने के लिए उपयोग करते हैं। हम कहते हैं ना, थोड़ा ये एक प्रकार से मिस्चीवियस चाइल्ड को ये करने के लिए शैतान आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं, ऐसा करके बताते हैं। उस प्रकार मलबार के एरिया में उस पर्टिकुलर हूलिगान और उस शैतान का नाम बताते हैं। इस जनरेशन में भी, दैट मीन्स दिस ट्रांस जनरेशनल मेमोरी आर स्टिल एग्जिस्टिंग, ऐसे लोग हैं। मलबार स्पेशल फोर्स पुलिस करके एक पुलिस सेना को खड़ा कर दिया, दे हैव सक्सेस वन इन द बैटल, लेकिन वारियन कुंदन तुकुन्यहमदगाजी एंड अदर्स फ्लड टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर गया, फॉरेस्ट के अंदर छिप गया। बीच बीच में बाहर आकर एक प्रकार का मोपला गरिला वारफेयर उन्होंने प्रारंभ किया, गांव के ऊपर आक्रमण करते, गाय के चोरी करते हैं, माताओं के ऊपर हमला करते हैं। ऐसा ये हमला का जो प्रक्रिया फिर से जारी किया,
MSP people are not at all, Malabar Special Force was not at all prepared, well prepared for doing this mountainous war. So Gorkha aur Gadwali Sena ko bulana pada. The very same Gorkhas who are considering Gorakhnath as their Devata. They came with that great war cry, the thunderous war cry, that is Jai Mahakali, Ayo Gorkhali. Aisa karke Malabar mein wo utre. Varian Kunnathu Kunyamudi Haji was arrested. All others were finished it in no time. It has happened. So still, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मलबार के हिंदू एक प्रकार से कृतज्ञ बुद्धि से गोरखा पीपल्स को देखते हैं अभी भी. हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग, आई डोंट नो वेदर, यहाँ जो मलयाली मीडिया पर्सन से तो उनको मालूम हो गया, केरल के अंदर एक विशेष सिक्योरिटी टीम का सिस्टम है. गोरखास आर बीइंग कंसिडर एज द सिक्योरिटी पर्सन देयर. सच्चे बिलीव फेथ इन गोरखा पीपल. सो इट हैज हैपेंड. सो अनदर क्वेश्चन अराइजेस, वो भी बताकर मैं समाप्त करूँगा. हमको यहाँ दिया जलाना है, श्रद्धांजलि अर्पण करना है, बाद में रमेश जी और विनय सहस्रबुद्ध जी का उद्बोधन भी सुनना चाहिए. मैं समाप्त कर रहा हूँ. वाई वी आर ऑब्जर्विंग दिस डे जैसे जिनोसाइड, ये जिनोसाइड डे ऐसा क्यों कहते हैं? 100 ईयर्स हो गए ना भैया, अभी पोस्टमार्टम करने का ज़रूरत है, ऐसा पूछने वाला लोग है. उन लोगों के लिए मैंने सायंतना का जो वो सेंटेंस मैंने बताया, दोस हु आर नॉट रेडी टू रिमेंबर एंड स्टडी हिस्ट्री वेल आर डूम टू रिपीट इट, हमारे ऊपर वो फिर से आ जाएगा. इट इज लूमिंग ओवर, दिस डेंजर इज लूमिंग ओवर आवर हेड्स. हु कैन फॉरगेट इट? काबुल तक आ गए है. काबुल तक आ गए यानी क्या मतलब है? काबुल तक आए यानी अफगानिस्तान में सीमित हो गया, ऐसा विचार करने वाला सैनर एलिमेंट्स कोई नहीं होगा. These elements are not considering the Afghanistan-Pakistan border as their border. They are considering the whole Pakistan and Jammu Kashmir as their land. That is the Pashtuni, typical Pathani mindset. At any moment of time, they may bounce upon you. The preparations are all made. Aisa ek sthiti hai. Bharat ke andar hathiyar ikatta karne ka bahut sare information intelligence department. नॉट ओनली भारतीय जासूसी एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज भी बता रहे हैं, जगह जगह पर सुदूर केरल में भी हथियार इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है, ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है, ट्रेनिंग भी. इसके हिस्सा इस रूप में नरकोटिक्स का बहुत सारा इम्पोर्टिंग, इलीगल इम्पोर्टिंग हो रहा है. इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी हम जैसे लोगों का है. That is about the generations who are living with that transgenerational trauma of Malabar riot and pogrom. Un logon ko thoda daitva hai hamara. Abhi ka jo Kerala ka jo government, leftist government, with the support of the Congress opposition. This strange situation hai. Kerala ke andar assembly mein ye sabhi party, Congress aur Communist Party, hamesha ekatrit aate hai. MLAs, without the party difference. Rama Janmabhoomi issue aane ke samay uske khilaf वो एकत्रित आया. मदनी द ड्रेडेड टेररिस्ट के जो अरेस्ट हुआ उनकी मुक्ति के लिए ये सब एकत्रित आया. अभी दे आर कमिंग टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ दिस मास मर्डरेस, उलगाइसिंग दिस मास मर्डरेस. ये सभी अभी हो रहा है. करोड़ों रुपया अभी ईयर मार्क किए हैं पिनराई विजयन के सरकार. वहाँ उनके जो स्पीकर MP राजेश द यंग स्पीकर ऑफ केरला असेंबली, ही वेंट टू मलप्पुरम, द कंसिडर्ड टू बी द मिनी पाकिस्तान, एंड ही अनाउंस्ड दैट. ओडासिटी देखिए उस व्यक्ति के. ही हैज कंपेयर्ड दिस मास मर्डरर, साइकोपैथ, फैनेटिक VK हाजी, वारियन कुन्नत हमद हाजी, विद द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लीडर, वीर बलिदानी शहीद भगत सिंह के साथ तुलना किया. इस प्रकार का जघन्य अपराध हिस्ट्री के ऊपर करने वाले इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड कॉन्शियस पीपल आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट दम अगेन, वाइट वॉश दम अगेन. दिस इज द 100th ईयर. वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोस फैक्ट्स. व्हाट हैपेंड इन 1921, गॉन इज गॉन, यू प्लीज फॉरगेट इट. नो, वी कॉन्ट फॉरगेट इट. यस, आज के पीढ़ी के, उनके पीढ़ी के लोगों के बारे में हम देखा है तो ये इस प्रकार का जो घटना जो हो रहा है,
इसके बारे में याद करने की जरूरत है, अदरवाइज इट विल रिपीट आस ए कर्स ऑन अस, इसलिए हम ये करा है। 21 के बारे में ठीक तरह से हम समझते नहीं है, समझे नहीं है, इस पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं किए, इसलिए 1947 अगस्त 14 मिडनाइट को भारत विभाजन हुआ। ठीक तरह से इसको रिपीट नहीं किया, इसलिए जम्मू कश्मीर हुआ। ठीक तरह से हम सीखने के लिए कोशिश नहीं किए हैं, इसलिए भारत के अंदर जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगा अभी भी हो रहा है। इसको ठीक तरह से समझना चाहिए फॉर सेविंग आवर सेल्स फ्रॉम द क्लचेस और वट यू से, इन लोगों के क्रूर दंष्ट्राओं से भारत को बचाने के लिए ये सोचने के, ये समझने के लिए जरूरत है। इसलिए हमारा मांग है वहाँ जो मजूम लोग, एक प्रकार से जो लोग निष्कलंग लोगों के हत्या हुई, उनके मेमोरी में एक जिनोसाइड मेमोरियल का हो, होलोकास्ट मेमोरियल का हो, नहीं तो मैसेकर मेमोरियल का हो, ये बनाने की जरूरत है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रिकमेंड फॉर दैट। स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम एक डिमांड रख रहा हूँ, जिनोसाइड मेमोरियल आने की जरूरत है। दूसरा, इल्लीगल तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लिस्ट में घुस गए या घुसा दिए ऐसे ये मास मर्डरर्स का नाम राइट फ्रॉम आली मोहम्मद आली मुसलियार टू वारियन कुन्न टू कुंजा मोहम्मद गाजी इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम दैट लिस्ट, टेकन अवे फ्रॉम दैट लिस्ट। दैट्स अ सेकंड डिमांड। थर्ड डिमांड, इस प्रकार इल्लीगली स्थान मिले हुए लोगों को गवर्नमेंट का जो कुछ पेंशन सहित कुछ सुविधाएं मिलते हैं तो विथ इमीडिएट इफेक्ट इसको रद्द करने की जरूरत है। मुख्यतः ये तीन डिमांड सामने रखकर हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस कैंपेन ऑन दिस डे, इट इज ओनली ए स्टार्ट टू सेट राइट द हिस्ट्री एंड टू टीच द हिस्ट्री टू समाज सोसाइटी। हम इस प्रयास जारी रखेंगे। हम सब इस हमारे सामने केरल के भाषा में तुवूर कणर यानी तुवूर कुआ बनाए हैं, वहाँ हम श्रद्धांजलि अर्पण करना है। हमारा जो होमेज हम तो ऑफर करना, दिया जलाना और इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस प्रकार का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए विनम्र निवेदन आपके सम्मुख रखकर मेरा ये चार शब्द यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।